हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं एलजेब्रा के हॉट्स क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सितंबर 2021 है, इसमें बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ओके? लेकिन ये बात जो है वो बहुत बच्चों को नहीं पता है। बहुत बच्चों को सिर्फ यही लगता है कि सितंबर 2021 में तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे। हाँ बच्चा, कैंसिल हो गए थे, लेकिन वो मार्च वाले जो बोर्ड एग्जाम थे वो कैंसिल हुए थे। यहाँ पे जो सितंबर 2021 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वो रिपीटर्स के लिए हुआ था। वो किसके लिए हुआ था? रिपीटर्स के लिए हुआ था। तो सितंबर 2021 में जो बोर्ड पेपर आया था वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था, ओके? रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था। तो यहाँ पे देखो, जो सितंबर 2021 का जो एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पेपर है वो हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो ज्योमेट्री का जो हमारा पेपर था, बोर्ड पेपर था 2021 का, वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एलजेब्रा का जो बोर्ड पेपर है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व मत करो। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं करूं, क्योंकि वो खुद से कर लेंगे। तो वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करूं, यानी कि दैट इज हॉट्स क्वेश्चन में फोकस करूं। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अगर बच्चे इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो मैं भी क्या करूंगी, सिर्फ आपको हॉट्स क्वेश्चन कराऊंगी। जितना हो सकेगा सिर्फ उतने हॉट्स क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इस वीडियो में इसलिए हम लोग जो एलजेब्रा का सितंबर 2021 का जो बोर्ड पेपर है उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपको पता ही होगा कि टोटल 8 मार्क्स का होता है, आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन हम तो सब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th, ओके? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है इन क्लास 10th। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, और वो वेरिएबल क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो क्लास 10th में है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये लेट ले लेते हैं जो हमको फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th, ठीक है? लेट एक्स नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th, ये सब आप लोग डिटेल में लिख देना। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ एक, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है, तो यानी कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। अब मुझे कैसे समझा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, बस ये फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट X number of total students are there in class 10th. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, बहुत बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है। तो आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस तो पता ही है ना, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल की चर्चा हो रही है, यानी कि एक वेरिएबल हमको फाइंड करना है, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला है, कि हमको क्या बोला है, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि कुछ बच्चे ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो, कितने बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है,
सेवन अपॉन टू टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है, सेवन अपॉन टू टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने लिया है x. तो इसका मतलब इतने बच्चे जो है वो ग्राउंड में खेल रहे हैं. और यहाँ पे आगे क्या दिया है, रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास. यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास. ठीक है, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास. तो यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स थे, जो एक्स स्टूडेंट्स थे, उसमें से दो बच्चे जो है वो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, और इतने बच्चे जो है वो कहाँ पे खेल रहे हैं, ग्राउंड पे खेल रहे हैं. तो अब यहाँ पे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्स, और वो दो हिस्से में बटे हैं. और वो दो हिस्से क्या है कि कुछ बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं और दो बच्चे जो है वो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं. तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये जो है इसको और इसको ऐड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू x. x क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो दो हिस्सों में बट गए हैं. जो हमारे कुछ बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, ग्राउंड में कितने बच्चे खेल रहे हैं, सेवन अपॉन टू टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और प्लस करेंगे हम लोग हमारे कितने बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, वो है दो. तो ग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं और क्लास में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो वो किसके इक्वल मिलेगा, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल मिलेगा. तो यहाँ पे देखो, ये बस हमारा इक्वेशन रेडी है. तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया है, बस अभी आप इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. तो ये पक्का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो कुछ बच्चे टू टू को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है क्योंकि बीच में प्लस साइन है. ठीक है, तो चलो सॉल्व करके मैं बताती हूँ. एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सेवन इंटू रूट एक्स, क्या होगा सेवन रूट एक्स ही होगा. और यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस, ये टू टू जा हो जाएगा फोर, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा टू. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये देखो ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में, वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज 2x इज इक्वल टू सेवन रूट एक्स प्लस 4. तो अब यहाँ पे ये जो प्लस 4 है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू सेवन रूट एक्स. अब यहाँ पे देखो ये जो रूट में है ना, इसको हमको हटाना है. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो चलो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन रूट एक्स द होल स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे क्या यूज होगा पता है आपको, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4 टू जा 8 होगा, और 8 टू जा 16, दैट इज 16x, और फिर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16. आपको ये फॉर्मूला यूज करना आता ही होगा, बस इसको एक्सपांड कर देना आप लोग. ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा. तो 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड रूट एक्स का स्क्वायर होगा एक्स ही होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 16x, और ये जो हमारा प्लस 49 है, प्लस 49x से वहां पे शिफ्ट होगा तो माइनस 49x, और ये यहाँ पे प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 4x स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 16 करो तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे 1 4 5 6, ओके 65 हुआ. तो यहाँ पे आ गया 65x और ग्रेटर नंबर साइन माइनस. ठीक है, और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ओके. तो अभी हमारे पास देखो ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 16 इंटू 4 करेंगे, तो 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 4 24, और 64 मिला. तो 64 है, अब दो नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है और प्लस करने पे 65 आता है. बहुत ही सिंपल है, 64 1, है ना, 64 1 64, इनको प्लस करोगे तो 65 मिलेगा. यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन. अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही हूँ. दैट इज 4x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 64x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x, और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. ये एक ब्रैकेट, सॉरी ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, यहाँ से कॉमन निकलेगा 4x, फिर यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे देखो 4 16 जा होता है 64, तो यहाँ पे बचेगा 16, ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे माइनस साइन बाहर कॉमन, ठीक है, तो माइनस साइन बाहर कॉमन मतलब कि माइनस 1 कॉमन होगा,
माइनस वन बाहर कॉमन, यहाँ पे आएगा x और ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो गई 16, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू x. तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 16 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू 1 और आएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1/4. तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते ना. तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं? 16 है. तो हम बोल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं? 16. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 16, ठीक है. तो ये पूरा था, बस आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सिंप्लीफाई करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है. तो आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलो अभी देखते हैं हम लोग सेकेंड वन. सेकेंड वन क्या बोला है? व्हेन वन इज, यहाँ पे भी देखो वर्ड प्रॉब्लम है. व्हेन वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टन फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ. And if one is subtracted from the numerator and denominator both, the fraction become 1/3, यानी कि 1/3. Find the original fraction. तो यहाँ पे देखो जो हमारा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है. देखो अगर कोई फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है. तो यहाँ पे हमको दो वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. वो कौन से? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. मतलब ये जो इक्वेशन है या ये जो हमारा प्रॉब्लम है, सॉरी ये जो हमारा प्रॉब्लम है या ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. और वो दो वेरिएबल्स कौन से है? क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है. तो हम लोग यहाँ पे लेट लेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो x ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो y ले लेंगे. तो यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x अपॉन y. और यही हमको फाइंड करना है. ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा और यही हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन मेथड जैसा यूज होने वाला है. तो अभी हमको क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा. चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन क्या है. तो बाय फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोलता है? When one is added to numerator, तो यहाँ पे देखो numerator हमारा फिलहाल के लिए क्या है? x है. तो जब हम लोग numerator में one add करते हैं, तो चलो हमने one add किया numerator में, as well as denominator, यानी कि हम लोग as well as denominator मतलब denominator को भी हम लोग क्या करते हैं? one से add करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है? It becomes half. यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम, अगर एक fraction है और उस फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर जो है उसमें अगर हम लोग वन ऐड करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन का उसमें भी अगर हम लोग क्या करते हैं? वन ऐड करते हैं, तो जो हमारा नया फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? दैट बिकम्स हाफ. यानी कि हम बोलेंगे, अभी हम क्या करेंगे? बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है. समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है कि एक कोई फ्रैक्शन है x अपॉन y, ये एक फ्रैक्शन है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है, एक सर्टन फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसको अगर हम लोग 1 से ऐड करते हैं और जो उसका डिनोमिनेटर है उसको भी अगर हम लोग 1 से ऐड करते हैं, तो तब वो जो फ्रैक्शन होगा ना, तब वो जो नया फ्रैक्शन मिला ना वन ऐड करने से, वो किसके इक्वल होगा? हाफ के इक्वल होगा. मतलब ये जो नया फ्रैक्शन है वो हाफ के इक्वल हो जाएगा. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. बस अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो एंड लेट्स सी हमको क्या मिलता है, ठीक है. चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग. तो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये. तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1 क्या होगा? वाई प्लस 1 ही होगा. अब ये 2 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1. तो यहाँ पे देखो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा कुछ दिख रहा है. तो 2x ये प्लस वाई है वहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 1, ये प्लस 2 है वहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस 2. तो दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस 1. तो यहाँ पे देखो हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं जो हमारी सेकेंड कंडीशन है. तो मैं यहाँ पर ही लिखती हूँ, मैं थोड़ा सा रफली कर रही हूँ, फटाफट कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम पास ना हो. बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? देखो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देखते हैं. तो सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है? हाँ, एंड इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1/3. यानी कि अभी क्या होगा पता है? अभी क्या होने वाला है कि जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उसका अगर न्यूमरेटर जो है
उस न्यूमरेटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूमरेटर को अगर हम लोग वन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और एज वेल एज उसका डिनोमिनेटर जो है उसको भी अगर हम लोग वन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया है, माइनस वन किया है, तो जो हमारा ये फ्रैक्शन मिला है, तो ये जो नया फ्रैक्शन मिला है वो किसके इक्वल होगा, वन थर्ड के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वन थर्ड। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अगर इसको अभी आप लोग सॉल्व करोगे तो हमको हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगा। फिर ये इक्वेशन नंबर वन और जो इक्वेशन नंबर टू मिलेगा आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्री डिवाइड में है, वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई और दिस इंटू वन क्या होगा, वही होगा वाई माइनस वन इंटू वन, वाई माइनस वन ही होगा। ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो थ्री एक्स, ये यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये वहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस थ्री, तो थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। तो यानी कि ये मिल गया हमको सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ये अच्छा रहेगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, माइनस यहाँ पे आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा नीचे वाला जो है सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस, तो यहाँ पे टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, थ्री एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू थ्री मिली, एक्स की वैल्यू थ्री मिली, तो अभी हम बोलेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर वन को पहले लिख देते हैं, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो टू एक्स के जगह पे थ्री पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, तो टू थ्री जा सिक्स, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन सिक्स, ये माइनस वन जो है इसको प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो सेवन इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है, हमारा एक्स अपॉन वाई, लेकिन अभी x की वैल्यू मिल गई है थ्री और y की वैल्यू मिल गई है सेवन, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है थ्री अपॉन सेवन, क्लियर है। तो ये हो गया सेकेंड वन, ओके। चलो यहाँ पे क्या बोला है, इन एन ए पी 16, 14, 12 एंड सो ऑन द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, राइट दिस टर्म विथ ऑल पॉसिबिलिटी, ओके। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ए पी है, यहाँ पे देखो ये एक ए पी है, तो इस ए पी में ऐसे कितने टर्म्स होंगे तब जाके उनका जो सम है, सम मतलब उनका जो टोटल है वो हमको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है। तो पहले हमको वो फाइंड करना है, फिर यहाँ पे बोला है राइट दिस टर्म विथ ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको कंसिडर करके आपको सारे टर्म्स लिखने हैं। अब ये क्या है, ये क्या इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि नहीं, नहीं समझा तो फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो एक एपी है, एक एपी क्या है हमारी 16, 14, 12 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस एपी में ऐसे कितने टर्म्स होंगे, हाउ मैनी टर्म्स, ठीक है, ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिसका जो सम है, सम मतलब जिसका जो टोटल है वो क्या मिलेगा हमको, 60 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट ये जो एपी है उसके जो एन टर्म्स है ना, उसके एन टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 60 है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर वन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 60, एस एन इज इक्वल टू 60 क्यों लिखा, क्योंकि एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी, जो है वो है 60, क्योंकि यहाँ पे हमको ये पूछा गया है कि इस एपी में ऐसे कितने टर्म्स होंगे, ऐसे कितने टर्म्स है कि जिसका सम, सम मतलब जिसका टोटल क्या आता है, 60 आता है। तो हमने वही एन ले लिया, अब इसी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये एन की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी बोलिए, पॉसिबिलिटी बोली मतलब एन की शायद दो वैल्यू आने वाली है, और एन की दो वैल्यू आएगी तो वो दोनों वैल्यूज को कंसिडर करके हमको फिर सारे टर्म्स लिखने हैं जिसका सम क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप n फाइंड कर लेते हैं, पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि n टर्म्स जो है वो इस n टर्म्स जो है इस ap के उसका जो सम है वो है 60, ठीक है, इसलिए sn पहले मैंने 60 लिख दिया। उसके बाद a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो 16 है। d क्या है, d क्या होता है पता है ना आपको, t2 माइनस t1, तो t2 हमारा 14 है, माइनस, एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, हाँ, तो माइनस
टी वन कितना है, टी वन है हमारा 16, तो यहाँ पे माइनस टू आया, तो डी हमारा माइनस टू, ठीक है, डी क्या है हमारा माइनस टू है, तो यहाँ पे एस एन है, ए है, डी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्वियसली एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि एस एन की चर्चा हो रही है, तो वी नो दैट यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट हमको क्या पता है, एस एन इज गिवन बाय एन अपॉन टू ब्रैकेट ओपन टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, तो यहाँ पे एस एन हमारे पास 60 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है टू ए, ए क्या है 16 है तो 16 लिख देते हैं, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी माइनस टू है तो माइनस टू लिख दो ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ये डिवाइड में टू है वहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 60 इंटू टू करेंगे तो 120 मिलेगा, एन ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 16 करोगे तो आपको 32 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, ठीक है सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई वाली साइन है, ठीक है इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो माइनस 2 इंटू एन करेंगे तो माइनस 2n मिलेगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस एंड 2 वन जा 2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज और ये जो ब्रैकेट हमारा था उसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे मुझे सर्कल वाला ब्रैकेट लगाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे ये सर्कल वाला ब्रैकेट क्लियर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट ओपन यहाँ पे 32 आया, फिर इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 2n, उसके बाद प्लस 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 क्या होता है प्लस ही होता है और यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज 120 इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन 32 प्लस 2 होगा 34 और आगे है माइनस 2n, अब यहाँ पे 120 इज इक्वल टू ये अंदर जाएगा n इंटू 34 होगा 34n, ये माइनस साइन है, n इंटू 2n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कुछ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिला है, क्योंकि देखो पावर 2 है ना, पावर 2 है और इसमें एक ही वेरिएबल है, पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसके आपको दो रूट्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे एन के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, लेट्स सी क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस 2n है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 2n, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस में, ये तो यहाँ पर ही है तो इसको प्लस 20 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से क्या करते हैं पता है हम लोग 2 को बाहर कॉमन निकालते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 2 आता है, 34 भी आता है और 120 भी आता है, तो हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है आपके सामने डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, अब राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर लेंगे, तो 2 कैंसिल, 2 17 होगा यहाँ पे, 2 160, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एन स्क्वायर माइनस 17n और आगे है प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पे क्या होगा 12 और 5, 12 5 जा 60 और इनको ऐड करोगे तो 17 भी मिल जाएगा, ओके तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो यानी कि एन स्क्वायर माइनस 12n स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला स्टेप चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया n, n को बाहर कॉमन निकाला n माइनस 12, यहाँ पे हमने माइनस 5 को बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पे n प्लस साइन माइनस माइनस में चेंज हो जाएगी, 5 इंटू 12 होगा 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये n माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज n की वैल्यू मिलेगी एक 12 और n की वैल्यू मिलेगी 5, यानी कि n की वैल्यू दो वैल्यूज मिली, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही गहरा है, जैसे कि देखो हमने क्या बोला कि ये जो हमारा ap है, देखो ये जो हमारा ap है हमने बोला कि इसके जो n टर्म्स है ना, इसमें जो n टर्म्स हो गए ना उसका जो सम होगा ना वो कितना होगा 60 होगा, लेकिन n के दो वैल्यूज मिले, दैट इज n की वैल्यू मिली एक 5 और एक n की वैल्यू मिली 12, तो यानी कि यहाँ पे इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस ap के फर्स्ट 5 टर्म्स जो है उसका सम भी 60 होने वाला है और इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म्स जो है उसका सम भी 60 होगा, और ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एपी है ना वो डिक्रीजिंग है, ये एपी के जो टर्म्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमको दो पॉसिबिलिटीज मिली है, अभी हमको यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज मिली
अब क्या करो कि उस पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके आप सारे टर्म्स लिख दो। ठीक है, तो हम लोग टर्म्स लिख देते हैं। जैसे कि जब n इज इक्वल्स टू 5 है तो हम 5 टर्म्स लिखेंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखेंगे इस एपी के। तो फर्स्ट 5 टर्म्स इस एपी के क्या हो जाएंगे, फर्स्ट फाइव टर्म्स आर जिसका सम क्या होने वाला है देखना, 60 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आया है 16, उसके बाद नेक्स्ट 14, देखो दो दो से डिक्रीज हो रहे हैं हमारे टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म 14, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 12, उसके बाद इसके इससे नेक्स्ट होगा 10, उसके बाद इससे नेक्स्ट होने वाला है 8। तो ये देखो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स है, और इसको आप ऐड करके देख लेना, आपको ऐड करोगे तो 60 पक्का मिलेगा। अब हम लिखेंगे हमारे फर्स्ट 12 टर्म्स। ओके, फर्स्ट 12 टर्म्स, तो फर्स्ट 12 टर्म्स जिसका सम क्या होगा, 60 होगा। और 60 क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 16 है, नेक्स्ट हो जाएगा 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8। अब डिक्रीज करना है तो 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लिख दिए। अब 2 में क्या करो, 2 माइनस करो तो 0 होगा, 0 में 2 माइनस करोगे तो माइनस 2 मिलेगा। उसके बाद माइनस 2 में माइनस 2 में क्या करोगे, माइनस 2 करोगे तो आपको मिलने वाला है, इसको और डिक्रीज करोगे तो आपको मिलेगा -4, उसके बाद -6। तो देखते हैं कितने टर्म हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यस, तो ये देखो ये है हमारे फर्स्ट 12 टर्म्स जिसका सम क्या होने वाला है, 60 होने वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ ये फर्स्ट 12 टर्म्स का, देखो इसका तो समझता है, ये तो समझता है कि इसके जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उसका जो सम है, सम मतलब उनका जो एडिशन है वो 60 होगा, लेकिन फर्स्ट 12 टर्म्स का सम भी कैसे 60 हुआ, तो इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, ये आपका कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, इससे मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ ना वो कुछ रिलेटेड नहीं है हमारे सोल्यूशन से, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ आपको। जैसे कि देखो फर्स्ट 12 टर्म्स हमारे कौन से है, 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, 8, 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर -2, -4 और -6। तो जब आप लोग इन सबको ऐड करोगे, ऐड ही करना है ना, सम करना है मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखना, 60 मिलेगा। अब 60 क्यों मिलता है इसका रीजन बताती हूँ। क्या होता है ना, ये +2 -2 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये +4 -4 से कैंसिल आउट हो जाता है, और ये +6 -6 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचता क्या है, फिर यही बचते हैं, और इनका जो सम है, इनका जो सम है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो तो 60 होता ही है। तो ये इनका जो सम है, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म्स में क्या हुआ कि ये जो +4 -4 +2 -2 +6 -6 ये खुद से ही आपस से कैंसिल हो गए। तो फिर बचे कौन, सिर्फ यही बचे, यही 5 टर्म बचे, तो इनका जो सम है वो तो 60 होता ही है। इसलिए ये जो हमारी एपी थी, इसके फर्स्ट 12 टर्म्स का टर्म भी, फर्स्ट 12 टर्म्स का सम भी 60 निकला, और फर्स्ट 5 टर्म्स का सम भी 60 निकला। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया आपको, जो आपको कंसिडर नहीं करना है, बस आपको ये भी लिखना है, विथ ऑल पॉसिबिलिटी यू हैव टू राइट द टर्म्स, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज थी, एन के दो वैल्यूज मिले तो उसको कंसिडर करके आपको सारे टर्म्स लिखने थे, तो हमने सारे टर्म्स लिख दिए। ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, दो ही क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस बैठे रहो यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखते हैं, थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एम, ये तो कुछ ज्यादा डार्क हो गया एक मिनट, कौन सा लू, हाँ ये वाला लेती हूँ, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एम, एक मिनट, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एम द कोएफिशिएंट्स ए बी सी आर सच दैट ए इज टू बी इज इक्वल टू 4a एंड सी इज इक्वल टू 3a फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें जो वेरिएबल यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ m यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि m वेरिएबल यूज करना, आप x वेरिएबल बिल्कुल भी यूज मत करना, x y बिल्कुल भी यूज मत करना। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कोएफिशिएंट a b c है वो क्या है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट a जो है वो 2 है, कोएफिशिएंट b जो है वो 4a है, और कोएफिशिएंट c जो है वो है 3a। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोला है, कोएफिशिएंट मतलब क्या, देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दैट इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमको वेरिएबल x नहीं यूज करना है, m यूज करना है, तो मतलब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ वेरिएबल m में, तो यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इन वेरिएबल m वो ऐसा होगा, am स्क्वायर प्लस bm
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये ए बी और सी, ये कोएफिशिएंट होते हैं, तो ये कोएफिशिएंट हमको दिए हैं। देखो ए की वैल्यू 2 दी है, बी की वैल्यू जो है वो 4a दी है, सी की वैल्यू 3a दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू तो साफ साफ नजर आ रही है वो 2 है, लेकिन b की वैल्यू बी की जो वैल्यू है वो वेरिएबल के फॉर्म में है, तो हमको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो a तो 2 है, चलो अच्छी बात है, b जो है वो है 4a, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 2 पुट कर लो ना, तो b की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 4, और a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 2 है तो पुट कर लो, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू 3a है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि अब देखो हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गई, तो जो अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो अभी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इन वेरिएबल m, दैट विल बी गिवन बाय a, a की वैल्यू है 2 m स्क्वायर प्लस b क्या है, b है हमारा 8, तो 8m प्लस सी, सी क्या है हमारा 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, अब क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको डिवाइडिंग करते, इसको अगर हम लोग बोथ साइड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो डिवाइडिंग पहले तो करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है, या फिर अगर आपने अभी अगर डिवाइड नहीं किया और डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, या डिवाइड कर लो बोथ साइड बाय 2 से, तो 2m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 6 डिवाइड बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया 2 से, राइट हैंड साइड भी डिवाइड बाय 2 से कर लेंगे। अब ये 2, ये जो 2 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये 2 सबको मिलेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों को मिलेगा, एंड 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0, तो ये 2 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा जो नंबर्स है वो 3 इंटू 1 होगा, है ना, तो यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे भी ये प्लस, तो यहाँ पे देखो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना, आपको आई थिंक अभी फैक्टराइजेशन मेथड तो आ ही जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है ये। तो यहाँ पे m, m प्लस 3 होगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज m प्लस 3 एक ब्रैकेट में होगा, फिर m प्लस 1 एक ब्रैकेट में होगा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज m इज इक्वल्स टू माइनस 3 और m इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये मिल गया, m के वैल्यूज मिल गए, ठीक है। या अगर आपको डिवाइडिंग बाय 2 नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 होगा, 6 2 जा 12 होगा, और दो नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और प्लस करने पे 8 आता है, तो वो कौन होगा हमारा, 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे 6 है ना, 6 और 2, 6 और 2, और बस आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना और आपको आंसर यही मिलेगा, जो आंसर यहाँ पे मिला है वही आंसर मिलेगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा, बस आप यहाँ पे क्या होगा पता है, आपको ये वाली स्टेप पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू हमको पुट करनी थी, तो बी और सी की रियल वैल्यू मिल जाएगी, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, अगर ये आपने क्रैक कर लिया या ये आपको क्लिक हो गया एग्जाम में तो मतलब आप जिंगा लाला, है ना। चलो यहाँ पे क्या बोला है, राइट एनी वन arithmetic progression with common difference 5, find its nth term and sum of first nth term, okay, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, एक arithmetic progression लिखना है और जिसका common difference क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, wow, तो यहाँ पे हम लोग 5 का table लिख देंगे बस, और क्या चाहिए हमको, देखो बहुत ही simple था यार, यहाँ पे क्या चाहिए, common difference, यानी common difference मतलब d की value 5 चाहिए, तो चलो लिखते हैं हम लोग ऐसा arithmetic progression जिसका common difference 5 होगा। देखो board paper कितने easy होते हैं, यहाँ पे आपने पांचों question देख लिए कितने easy थे, और मैंने जो नवनीत की book देखी है, यानी कि आपको शायद पता होगा कि हम लोग दिनेश सर के smart study channel पे hot question solve कर रहे हैं नवनीत के, ठीक है, दिनेश सर smart study channel पे, तो वहाँ पे हमारी hot series चल रही है जहाँ पे हम लोग नवनीत के question solve कर रहे हैं, नवनीत के practice papers जो है उसके hot question solve कर रहे हैं, वहाँ पे तो ऐसे hot question दिए थे कि देख के डर जाएंगे, अब ऐसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ ना तो इतने इजी लग रहे हैं कि पूछो मत, तो बोर्ड पेपर इजी आएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन
बनाते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 5 होना चाहिए, देखो प्लस 5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव में है तो मतलब हमारी एपी इंक्रीजिंग होगी, यानी कि एपी का टर्म बढ़ेगा। ओके तो यहाँ पे 5, पहला टर्म 5 ले लेते हैं, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 15, फिर 20 एंड सो ऑन। तो देखो ये है हमारी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे, कॉमन डिफरेंस देखोगे तो वो आपको पक्का 5 मिलेगा। देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो 5, इन दोनों के बीच में 5 हो गया। तो हमने निकाले, हमने एपी तो तैयार कर ली। अब बोला है क्या कि फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हमको फाइंड करना है tn एंड sn, ये क्वेश्चन मार्क है, ये होता है nth टर्म। tn का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है, और sn का मतलब होता है, sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये फाइंड करना है, चलो ना कौन से, मतलब कि इसमें क्या है, तो दो मिनट में कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो करते हैं साथ में मिलके करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी एपी है, इन दिस एपी ए हमारे पास 5 है, कॉमन डिफरेंस निकाल दो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टी एन फाइंड करते हैं। टी एन इज गिवन बाय ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू टी एन। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म ही फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करना मतलब n के जगह पे कुछ मत पुट करो, n ऐसे ही रहेगा, जो हमारा आंसर होगा ना वो n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो a के जगह पे 5 पुट करो, प्लस n के जगह पे मैंने बोल दिया है कुछ भी पुट मत करना वरना मार खाओगे। ओके d है 5, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 5 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 इंटू n हो जाएगा 5n, माइनस 5 वनजा क्या हो जाएगा 5, तो दैट इज टी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर आया प्लस 5n, मतलब 5n ही हुआ। तो nth टर्म जो है वो मिल गया हमको 5n, ठीक है। अभी ऐसे ही करके हम लोग फाइंड करने वाले हैं sn, तो sn फाइंड करते हैं। नाउ sn, sn इज गिवन बाय n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग a और d की वैल्यू पुट करेंगे बस, और बाकी सब हमको फिर हमको जो sn है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे हमारे हॉट क्वेश्चन चल रहे हैं तो देखना मत भूलना। और जो मार्च है, यहाँ पे देखो एक गुड न्यूज भी आपको दे देती हूँ, वैसे तो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है सीरीज, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, तो यहाँ पे देखो मार्च में एक सीरीज लॉन्च होने वाली है, महारिविजन वाली, तो देखना मत भूलना, अपडेटेड रहना, ठीक है। चलो 10th स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री, ठीक है। चलो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 a a a a a हमारा 5 है, प्लस n माइनस 1 d d d d d भी हमारा 5 है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ पे 2 5 जा 10, प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो 5 इंटू n हो जाएगा 5n, माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन, ये 10 माइनस 5 क्या होगा 5 होगा, और ये प्लस 5n, ओके। तो ये हो गया, या तो अगर आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, sn की वैल्यू अगर आपने ये लिखी तो भी चलेगा, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, ये n को अंदर शिफ्ट करके, n को अंदर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 5 क्या हो जाएगा, n इंटू 5 हो जाएगा 5n, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू 5n क्या हो जाएगा, n इंटू 5n हो जाएगा 5n स्क्वायर, और ये अपॉन में 2, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बहुत तरीके हैं लिखने के, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो एक तो ये हो गया, ये लिखा तो भी चलेगा, या इधर ही मैं बताती हूँ एक नेक्स्ट वे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये sn है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप 5 को बाहर कॉमन निकाल सकते हो, तो 5 को बाहर कॉमन निकालोगे तो 5 बाहर कॉमन निकल गया, और ये n तो था ही, तो n भी आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट ओपन, अब 5 बाहर कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे n बचेगा, तो 1 प्लस n, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या यहाँ पर ही स्टॉप हो गए तो भी चलेगा। तो ये सभी एक ही है, इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये तीन आंसर है, यहाँ पे तीन आंसर नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, बट मैंने सब बता दिया, ये पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, सबको समझ में आया ना, ये कॉमन वाला, यहाँ पे 5 को बाहर कॉमन निकालोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 है, अब 5 को बाहर कॉमन निकालो, तो 5 को बाहर कॉमन निकाला ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू n करो तो 5n मिलेगा अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस n, तो देखो यही मिला, यही बोल रही हूँ,
कुछ भी कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड और आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं खुद ही करने बोल रही हूँ। आप ये कर लो, आप ये कर सकते हो। अगर कुछ डाउट हो या नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको एलजेब्रा, एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, वहाँ पे मैंने, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ यहाँ पे देखो नया पेज आ गया है। हाँ, तो एक आपको एक अनाउंसमेंट कर लेती हूँ मैं। देखो, मैंने एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे हैंड रिटन नोट्स, जो कॉन्सेप्ट वाले नोट्स होते हैं, वो दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना, वो पीडीएफ को बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके रिवीजन के लिए, आपको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो एलजेब्रा ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कैसे करें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, टेलीग्राम का एक ऐप होता है वो पहले डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो लिंक को सिर्फ क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है, ज्वाइन का बटन दबा दो, हो गया ज्वाइन। वहाँ पे सारे मटेरियल्स आपको मिलते हैं, और ये सितंबर 2021 का जो एलजेब्रा और ज्योमेट्री का बोर्ड पेपर है, अगर वो चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन तो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, सॉरी अपलोड होते रहते हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन, अभी तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, मोस्टली तो मैंने सारे क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन करा दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और ट्रिगो, ये तीन ही चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन बाकी है। ठीक है, जल्दी ही करा देंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और महारिविजन सीरीज आने वाली है, इंतज़ार करना उसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।